नहीं जी, हमारी कोशिश का काम शुरू हो गया जी। कल से काम कर रहे हैं जी, ये पैदा होने से 6 महीने पहले। इतनी जल्दी आप कराची गए हैं ना? क्या बात, इसीलिए झुकते मार रहे हैं। ये ले जी, अभी कोशिश उतारी, नीचे जेन्युइन कपड़ा निकला जी। जेन्युइन जियो ब्राउन कलर में निकली, यही ना रहन दे ये। तारना सारा ये जेन्युइन है कपड़ा है नीचे। अच्छा 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 अच्छा, सही जबरदस्त। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत होंगे। और आज काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, और मेरा यकीन करें बिल्कुल भी दिल नहीं था, मैं बिल्कुल डिसार्ड हुआ हुआ था, ख़त्म। मतलब कि मैंने कहा यार, गाड़ी जब तक रेडी नहीं होती ना तब तक बनानी ही नहीं है वीडियो। बहरहाल अब मैंने कहा यार, काफ़ी टाइम हो गया, अपडेट दे देनी चाहिए इससे पहले कि जो देखने वाले हैं वो भी गायब हो जाएँ। सीन ऐसा था कि अभी मैंने आपको दिखाई थी पिछली वीडियो के अंदर, मीटर्स की वीडियो, आखिरी वीडियो मीटर की थी। अब उसके बाद ये हुआ कि गाड़ी में वहाँ से ले आया था, फिर उसके बाद गाड़ी काफ़ी गंदी हुई थी, मैंने वॉश करवाई, और फिर उस दौरान मैंने सीटें भी कोशिश के लिए दे दी। और क्योंकि जो वेट किया था लेदर के लिए किया था, फिर लेदर ख़रीदने में वेट हुआ। अभी 3 दिन हो चुके हैं, सीटें दी हुई हैं, सीटें बनने में टाइम लग रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर आपने जिस तरह डिज़ाइन दिया तो उसको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, इसमें कोई ढलक ना आए। अब अल्लाह करे वो अपनी मेहनत दिखा दे। और अभी मैं किस जगह पे मौजूद हूँ, मैं हूँ अपनी वर्कशॉप पर, अब्बू के पास हूँ। हम छत इसकी फिट कर रहे हैं, क्योंकि छत की फ़िटिंग बनानी थी, वही सबसे बड़ा टास्क होता है, और थोड़ा सा VIP काम हो जाए तो ख़ुद कर लेना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। अभी बस ये हो जाए तो फिर आपको दिखाता हूँ सीन, साथ रहिएगा। नहीं जी, अभी हम आपको गाड़ी दिखाने लगे हैं जी। माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। चलें, वो तो बात की बातें हैं, आपको पहले सबसे पहले दिखाते हैं जी छत। ये छत फिट की है जी, और अभी आपको दागी लग रही होगी, गंदी लग रही होगी, बिकॉज अभी इसके ऊपर कोशिश, ऑब्वियसली इसके ऊपर नई शीट चढ़ देनी है, लेकिन ये अभी इसके फाइनल रिजल्ट्स हैं। सीटें सारी दे चुके हैं, ये सीटों वाले से ही हम एक टेम्परेरी लेकर आए हैं सीट। बैक साइड से दिखाता हूँ थोड़ा, कलर कैसा लगा जी? माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, सही है। बाकी भाइयों, मैं इसके बैक एंड पे अभी मैं कर रहा हूँ इसका डैशबोर्ड रेडी, और आज उसका कुछ सामान लेने जाना है तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगा। और ये जो अभी आप देख रहे हैं काम, ये सारे समझ लें टेक्निकल काम है, और कोशिश वाले भी करके दे रहे थे, यकीन करें उन्होंने ये मतलब कि लगी भी देखी भी नहीं है पहले, इतने ज़्यादा चार्जेस बोल देना डर के मारे, यार ये तो बहुत बड़ा काम है, ये तो बहुत मुश्किल काम है। हमने कहा कोई चक्कर नहीं, अबू ने कहा तुम छोड़ दो, ये मैं खुद ही करूँगा। अब मैंने बीच में नहीं आया। अब उसमें उन्होंने क्या किया जी, सबसे पहले इसके हैंडल्स देखें, ये वाले जेन्युइन हैंडल्स इसके अंदर लगा दिए, ठीक है, जो छत के साथ आए थे। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से बाहर का बंदा नहीं करता, ठीक है। उसने कहना था कि मुझे जेन्युइन, ये कहते हैं जो मज़्दा के जेन्युइन है उसी के ऊपर फिटिंग करके दे दूंगा, लेकिन मज़्दा के जेन्युइन के हैंडल्स का हाल मैं दिखाता हूँ क्या हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर बात है 1960 से उसकी शक्ल एक जैसी ही है, तो 1960 के बाद उसकी क्या हालत हुई होगी आप खुद ही सोचें। ये इधर पड़े हुए हैं, ये देखें, ये जेन्युइन हैंडल है, तभी इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो चुकी है। इसको मैं ज़रा पॉलिश वगैरह करा लूँ, ये सारे कुछ करा लूँ, ये भी काफ़ी अच्छे बन जाएंगे, लेकिन अभी जो उस छत के साथ जो जेन्युइन सुराख फिटिंग के साथ आए थे वो लगा दिए, ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये जी डैशबोर्ड का कपड़ा लेदर, दो गज काट दें, ठीक है। अभी मैं गया था जी, ये लेकर आया हूँ, ये डैशबोर्ड पे लगेगा, और ये स्टिकर है। अब काफ़ी भाई आप में से सवाल करेंगे यार हाइड्रो डिप क्यों नहीं करवाया, हाइड्रो डिप नहीं हो सकता वो, थोड़ा सा मैं आपको घर जाके जब ये काम शुरू करेंगे ना तब मैं आपको सारी इससे कहानी बताऊँगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कपड़ा भी जी, ये लेदर राइट लेकर आया हूँ, और ये लगेगा डैशबोर्ड के अंदर और ऊपर, सॉरी, और ये इसके जो फीचर जो है ना ये लचकदार होता है, ठीक है, तो आपके डैशबोर्ड की जो शेप होना उस तरह बना लेते हैं। अब आप लोगों में से बाइक कहेंगे जो आपने सीटों के लिए कपड़ा सेलेक्ट किया था वही आप डैशबोर्ड पर भी लगाते, लेकिन नहीं, इस पर कंट्रास्ट हमने रखा है, तो इसमें कुछ चीज़ें ब्लैक होंगी और कुछ चीज़ें ब्राउन होंगी, तो बस ये चीज़ होगी। अभी छत भी देखें, छत भी बनानी है, ये फिटिंग का से सारा प्रोसेस था, ये पाइप वगैरह भी डल चुके हैं, ये ड्रेन पाइप हैं, और ये कोशिश के नीचे छुप जाएंगे सारे पाइप, आगे भी लगे हैं दो और पीछे भी दो लगे, तो मतलब कि छत का काम ऑलमोस्ट डन है। और अभी हम जाते हैं सीटों वाले के पास, देखते हैं उसने क्या किया हुआ, काम शुरू किया भी है नहीं जी। हमारी सीटें ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ तैयार हैं, और ये जिस तरह की देख सकते हैं पिछली सीट टेक है, और टेक कह रहा हूँ, सॉरी,
जिस पे बैठेंगे हम, और ये पैरों वाली साइड है और ये पिछली साइड है, पीछे वाली साइड है, और ये फ्रंट सीट है। ये टेक है या बैठने वाली जगह? अच्छा, बैठने ली जगह, ठीक है। ये भी अच्छी बना ली है, ये लें जी, ठीक है। और पिछली टेक ये, अच्छा ये पिछली टेक का कह रहे हैं जी, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे देनी पड़ेगी, इसको ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो मूवमेंट है, खिंचाई है क्या कहते हैं, वो नहीं आ रही, वो सही नहीं आ रही ना। अच्छा फिर अब ये जेन्युइन फॉर्म है, ये जेन्युइन है ना, आपकी सीट इधर आएगी ये खींच। अच्छा, या इधर डाल दें और एक नीचे डाल दें, बस ये खत्म दो चलेगी तो सब सही आ दो नहीं ना एक हो, चलो एक ले ले, एक ले लो फिर वही चलेगी। क्यों जी सही है, नीचे वाली है ना, नीचे वाली, हाँ वो एक डाल दे फिर, ठीक है ये वाली डाल दो, बस एक एक ही डाल दें, ठीक है ना, एक सही रहेगी वो, क्योंकि ये इसका ये सिलाई जो है ना, ये तो हमने लगा दी है, इसको निकाल देंगे ना सिलाई, या अगर एक भी ना डालें तो फिर क्या होगा, फिर सही पूरी कंप्रेशन ही आएगी ना। अच्छा वो मतलब इधर उधर खिसकेगी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, कौन से मर्जी आ दे, थाना यूट्यूब पे, थाना यूट्यूब पे देंगे तस्वीर, सही है सही है। अच्छा ये देख लें जी आप लोगों के सामने जी, फिनिशिंग काम काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है इनका, और अब फाइनल टच होगा तो पता लगेगा कैसी तैयार हुई हैं, क्योंकि अब ये फाइनल स्टेजेस पे ही है और काफ़ी मुनासिब पैसों में बन गई वो भी है, आपको एंड पे बता दूँ ज़्यादा बेहतर रहेगा, बाकी ये मैं देखने आया था अभी यहाँ, ये है इसकी सफाई की ज़रूरत है ना अभी, हैं जी अभी सफाई सफाई होनी है ना, ये थोड़ा बहुत जो हाथ मारना है ना हमने, हाँ ये धागे शागे कट रहे हैं ना, हाँ धागे शागे सारे काट के, ठीक है करके देंगे आपको, क्या बात है। तो ऊपर वो कहते हैं तो ये शापर नहीं है, ये शापर, अच्छा लेमिनेशन, ये तो पतले वाले है ना, हाँ हाँ दूसरे वाले, नहीं नहीं वो नहीं, ये उतार देने हैं, बहरहाल वैसे वक्ती तौर तो, हाँ वक्ती तौर लगा दूंगा, 0 मीटर गाड़ी लगेगी, हाँ जी सही है, थोड़ी खूबसूरती, और इसका इसका कोई बनाया कोई, नहीं इसका नहीं बनाया, इसका भी बनाना पड़ेगा ना, अभी वो सही लगाएगा ना, ऐसे ही लगेगी ना, सही, ठीक है ठीक है। तो इधर जो ये आपका मोटा लगाना है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ है, वो इन्हें मोटा लगाना पड़ेगा तब उभरेगा ना ये, हाँ बिल्कुल, तो आना नीचे आपका गोला लगाना है इधर, हाँ गोला मेरे ख्याल से इधर लगना था, दो नहीं लगा रहे थे, एक एक क्रोम वाला एक ही लगाएंगे, एक लगा के बस वही इधर लगेगा, हाँ वो दो फिर ज़्यादा ओवर हो जाएगा, हाँ ये तो भाई एक एक लगाते हैं ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है वो तो वो सिलाई लगेगी ना जब ऊपर तो बैठ जाएगा, ठीक है। और यार आपके भाई मक्खियाँ नहीं पड़ी, मुझे लाने पड़ेंगी, इतना खुआरी काटनी पड़ेगी, ये देखे ना रिपटे ले आएंगे हम, हाँ रिपटे लगा देना ना, अपना काम करके फिनिश करें, चलो कर लेंगे, हाँ अच्छा। तो वही हो अभी उस्ताद जी कह रहे हैं कि अभी ये जो काम है ना, ये आपके सामने सिर्फ आपको टचिंग के लिए दिखाया हुआ है, अभी इसका ये फाइनल टच नहीं है, और फाइनल टच में ज़्यादा नफासत आ जाएगी इनके कहने के मुताबिक। और दूसरा जो मैं अभी ये जो मुझे बात समझा रहे थे, कह रहे थे ये जेन्युइन कट है, इधर ये कट डाल दें ज़्यादा बेहतर रहेगा, ना कि ये वाला कट, ये वाला कट बहुत खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ से ये जो उठाओ है ना, यहाँ सलवेटें आना शुरू हो जाएंगी, इसके जेन्युइन कट पे आ जाए यहाँ पे, और ये वाला कट ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे जो फेस है ना थोड़ा ज़्यादा प्यारा लगेगा, बाकी लेदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, शायद कैमरे में वो चीज़ जस्टिफाई बिल्कुल नहीं हो रही, और मैं ये वाली आपको एक मतलब दिखाता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे, और ये आप देखें जी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त सीट लग रही है, और बेस्ट हो जाएगा, बस इसी वजह से मेरा काम डिले होते जा रहे थे, और मैं आप लोगों को कुछ नया कंटेंट नहीं दिखा पा रहा था, और मैं हट के भी कंटेंट नहीं बना सकता, आप लोग कहते हैं बस इस गाड़ी की बनाओ जो भी बनानी है, बस कोशिश लगा हूँ, आप लोगों की दुआ चाहिए, बस ये कुछ दिनों के अंदर ही मेरी गाड़ी रेडी हो जानी है, अब बीच में आ गई है ईद, अब ईद की वजह से शायद काम रुक जाए, और रुकेगा नहीं, बाकी मैं सारी चीज़ें ख़रीद रहा हूँ जो कि घर लेके जाऊँगा, अभी कारपेट भी ख़रीदने जाना है, कारपेट भी ख़रीद के घर लेके जाता हूँ, और कल परसों की डेट में इसकी छत का भी कोशिश करवा लूँगा, क्योंकि वो एक दिन का काम ही है, पिलरों पे लगनी है और छत के ऊपर नया कपड़ा लग जाना है, दैट्स इट, उसके बाद कुछ तार वायरिंग का फिर वायरिंग का आपको रोला सुनाऊँगा, क्योंकि छत के ऊपर जो वायरिंग की थी वो दोबारा बिछानी है, सारी उतार के नीचे रखी थी गत्ता लगाने के लिए, तो वो चीज़ें चालू करानी है, और फिर उसके बाद डैशबोर्ड फिट होगा, डैशबोर्ड में जो जो चीज़ें फ़िट होनी है वो सारी फ़िट करके तब जाके ये गाड़ी फाइनल स्टेजेस पे होगी, क्योंकि आउटर लुक तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इनर रह गया है, इनर का ही सारा रोल है, और प्लस एक और चीज़ है वो है विंड स्क्रीन, बैक स्क्रीन फ्रंट स्क्रीन दोनों लगनी है, वो लगनी है कोशिश के बाद,
इस वजह से मैं उसके ऊपर हाथ नहीं लगा। दुकान पर वापस आ गए और अभी इसका हल किया जा रहा है। अब ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे एक पैनल लगता था सनरूफ का, तो वो ज़रा जदीद में आ जाना था, प्यारी भी नहीं लगनी थी गाड़ी। तो मैंने एक ये लाइट ख़रीदी इस तरह की, जो कि इधर फिट हो जाएगी इस जगह पर। बाकी ये गत्ता यहाँ पर फिट कर लें, इसके ऊपर फिर कोशिश हो जाएगी पीछे की साइड से, सही है ना। और बाकी हैंडल्स भी दिखा दी आपको, काश हमजा ये छत साफ होती ना यही काम आ जाती। अच्छा ये रिप्टो के अंदर आ जाएगी ये आ गई। अच्छा आ गई, ठीक है। और इस जगह पे क्या होगा? इस जगह पे गत्ता आ जाएगा। गत्ता यहाँ से पीछे बन जाएगा। अच्छा ठीक है, जिसे आम जबान में पापड़ियाँ कहते हैं। अच्छा ठीक है। बाकी यहाँ पे कपड़ा गत्ता आएगा ना सारा। अच्छा गत्ता फिल होगा, ठीक है, सही होगा। अच्छा तो भाइयों अभी मैं घर आ चुका हूँ और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ तक जितना भी दिखाया सारी चीज़ें मेरे ख्याल से वर्थ इट थी, आप लोगों को कोई मतलब कि बोरियत करने वाला सीन नहीं होगा। बहरहाल बोरियत करना भी क्यों, जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो ज़रूर देखेगा। अब मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि मैंने एक नई चीज़ बाय की है। ये वीडियो यहाँ ही पर एंड कर रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं नहीं दिखाने लगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम उसको लाइव करेंगे। लेकिन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि वो क्या चीज़ है जो कि मैंने बाय की है और उसकी वर्थ एक करोला इंडस और दूसरा आप कर लें सीई के 2004 मॉडल सिविक जितनी वर्थ होती है। तो आप सोच रहे हैं कि क्या चीज़ हो सकती है। सही जवाब देने वाले का कमेंट सबसे पहले पिन कर दिया जाएगा, एक ही गिवे पे अनाउंस होगा। और गिवे पे के अंदर क्या होगा, ये LED लाइट, ये LED समझ रहे हैं प्रोजेक्टर लाइट है, ये एक गिवे पे कर रहे हैं। और इंटरनेट पर आके कोई झूठ नहीं बोलता, और जिस मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा जिस दिन ये डिलीवर करूंगा। बहरहाल आज कमेंट करना शुरू कर दें, गेस करना शुरू कर दें। जिसका पहला कमेंट बिल्कुल वर्थ इट हुआ पिन कर दिया जाएगा सब कमेंट, और फिर उसको ये चीज़ मैं खुद डेवो अकेडे में जाकर ट्रांसफ़र करके आऊँगा, ठीक है। और अभी मुझे दीजिएगा इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया। दिमाग लड़ाएँ और समझें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।